पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के शेष दो मामलों में सोमवार को अपना फैसला सुनाया। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के बाकी दो मामलों के निपटारे के लिए सोमवार की अंतिम तारीख तय की थी। इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने 68 वर्षीय शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अजीजिया मामलों में पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी कर लेने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को 68 साल के शरीफ को फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अजीजिया मामले में सजा सुनाई गई है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज पर अल अजीजिया मामले में लगभग 17 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही अदालत ने उनकी संपत्ति जब्त कर लेने का भी फैसला सुनाया है। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट मामले में सबूतों के अभाव में उन्हें सजा नहीं हो सकी। सजा सुनाए जाते समय शरीफ भी कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। उनके अदालत पहुंचते ही फैसला सुनाया गया था। हालांकि उनकी पार्टी के पीएमएनएल के कई कार्यकर्ता उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। इस्लामाबाद में अदालत के बाहर पीएमएनएल के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। एहतियात के तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लगा दी गई। नवाज शरीफ पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे हैं। अल अजीजिया मामले में सजा के ऐलान वाले दिन के एक दिन पहले वो इस्लामाबाद पहुंच गए थे। पिछले सप्ताह नवाज के वकील ने कोर्ट से अपील की थी कि वो फैसले की तारीख को एक हफ्ता आगे बढ़ा दे, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामलों के चलते प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया था। अड़सठ साल के शरीफ 3 बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद संभाल चुके हैं, लेकिन पिछले साल जुलाई में पनामा पेपर्स मामले में नाम आने के बाद उन्हें अयोग्य ठहराया गया था। नवाज शरीफ के समर्थक इस फैसले को सेना के जनरलों और न्यायाधीशों की मिलीभगत बताते हैं। क्योंकि नवाज शरीफ देश के काफी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।